हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सिक्स वीडियो ऑफ द चैप्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तो इस चैप्टर की फाइव वीडियो मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, ये सिक्स वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे कि फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स, तो कुछ रिफॉर्म्स के बाद, इससे पहले हमने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को समझाया था, अब हम पढ़ना क्या है, देखिए फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या है। राजकोषीय नीति इसे कहा जाता है हिंदी में, राजकोषीय गवर्नमेंट का एक अपना ट्रेजरी होती है, पूरे देश का मनी सिस्टम को चलाने के लिए एक पैसे का कोष होता है, भंडार होता है, वो रिफॉर्म्स, उसकी पॉलिसी को कैसे रिफॉर्म किया गया। तो फर्स्ट इसमें देखिए क्या है, फिस्कल पॉलिसी इज द रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की रिवेन्यू और एक एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है। इट रिलेट्स टू, ये किससे संबंधित है, हाउ मच मनी द गवर्नमेंट स्पेंड, गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करती है, एंड वेयर इट गेट्स दिस मनी, और उसे ये पैसा कहाँ से मिलता है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू मैनेज इट्स फाइनेंस, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट अपने फाइनेंस को मुश्किल से मैनेज करती है, एंड हैड बीन बोरोइंग इंक्रीजिंगली टू पे फॉर इट्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज, और अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए वो ऑलरेडी उधार भी लेती है। द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट हैड टू बी इंक्रीज्ड, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को इंक्रीज करना पड़ता है, वाइल इट्स एक्सपेंडिचर नीडेड टू बी कर्टेल्ड, और इसके एक्सपेंडिचर को कम करना किया जाता है। द NEP took the following steps to control the fiscal situation in the country, तो NEP ने देश की फिस्कल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। फर्स्ट वन क्या है, देखिए टैक्स रिफॉर्म्स, तो फिस्कल पॉलिसी बनी रहे यानी कि राजकोष हमारा मेंटेन रहे, इसलिए टैक्स रिफॉर्म किए गए। टैक्स रिफॉर्म से मतलब क्या है, टैक्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू के मेन सोर्स हैं। टैक्सेस आल्सो सर्व एज टूल्स टू अचीव इक्विटी, तो इक्विटी गेन करने का एक साधन भी है टैक्स। दे आल्सो हेल्प टू कंट्रोल प्रोडक्शन, तो ये प्रोडक्शन कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज में भी हेल्प करते हैं। टैक्स रेट्स इन इंडिया वर हाई, तो इंडिया में टैक्स रेट भी हाई है। दिस हैड लेड टू अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम बीइंग अनरिपोर्टेड, इससे क्या बढ़ावा मिला है कि बड़ी संख्या में इनकम अनरिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड रही, जिसकी सूचना नहीं मिलती। टैक्स इन्वेशन वॉज हाई, और टैक्स इन्वेशन भी बहुत हाई रहा, यानी कर चोरी से कहते हैं, टैक्स की चोरी भी करते हैं लोग, टाइम से टैक्स नहीं भरते। अब पैरेलल ब्लैक मार्केट हैड कम अप एज ए रिजल्ट, और इसी के साथ साथ एक ब्लैक मार्केट का सिस्टम भी आया। देयरफॉर द रिफॉर्म्स वर एम्ड एट रिड्यूसिंग द टैक्स रेट्स एंड इंक्रीजिंग द टैक्स नेट, तो उद्देश्य क्या बनाया, इसीलिए गवर्नमेंट ने टैक्स रेट को बढ़ाया है और टैक्स नेट को और इंक्रीज किया है, क्या होगा हमारा फिस्कल पॉलिसी मेंटेन रहेगी। इससे रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सेकेंड जो रीजन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कमी लाना होता है। द गवर्नमेंट आल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने पहले ही ये प्रयास बना लिया है कि वो अपने एक्सपेंडिचर को कम करे। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर वॉज कट डाउन, तो अननेसेसरी क्या होता है, यानी कि अनावश्यक खर्च हो वो कम किया जाए। सो इट वुड हैव टू बोरो लेस फ्रॉम द पब्लिक, इसलिए इसे पब्लिक से कम उधार लेना होगा। सर्टेन लॉस मेकिंग PSUs वर टू बी शट डाउन और सोल्ड टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स, तो कुछ PSU जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां हैं, टू बी शट डाउन, उन्हें बंद करना पड़ा, या सोल्ड टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स, या उन्हें प्राइवेट इन्वेस्टर के पास बेचना पड़ गया। सेल ऑफ गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज की बिक्री कैसे रही। द गवर्नमेंट आल्सो ट्राइड टू सेल इट्स कैपिटल इन सर्टन PSUs, गवर्नमेंट ने कुछ निश्चित PSUs के हाथों अपनी कैपिटल को बेचा भी है। वेयर प्राइवेट सेक्टर वाज विलिंग टू पार्टिसिपेट, और जहां कहीं भी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करना चाहता है, दिस इज नोन एज डिस इन्वेस्टमेंट, इसे हम डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। द लिक्विडेटेड कैपिटल वुड बी यूज्ड इन एरियाज, तो लिक्विडेटेड कैपिटल उन एरियाज में यूज किया जाता है वेयर प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट विलिंग टू एंटर, जहाँ प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं करना चाहेगा। एंड टू ओवरकम द
बर्डन ऑफ लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेस, और वो लॉस करने वाली जो कंपनी रही उसके बर्डन को ओवरकम करना चाहता है। अ सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ मॉडर्न फूड इंडस्ट्री, इसका सबसे सही एग्जांपल क्या है, मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज। क्लास इस बॉक्स 3.7 को समझाना जरूरी है आपके लिए कि टैक्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्स। तो टैक्स आर टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होता है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा, दीज आर द डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा, सेल टैक्स, वो इनडायरेक्टली जा रहा है, सीधे एक पर्सन से नहीं लिया जाता, वो रिटेलर्स देता है सेल टैक्स, वैट, कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटीज, ऑक्ट्रियो टैक्स एक्सेट्रा। नाउ जीएसटी इज इंक्लूडेड ऑल दीज, और इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी भी इंक्लूड कर दिया गया है। डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पेई, तो डायरेक्ट टैक्स सीधे गवर्नमेंट के द्वारा, पेई के द्वारा, अदाकर्ता के द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट को सीधे देता है वो। दे आर लेवीड ऑन इनकम, प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी, तो ये इनकम पर, प्रॉफिट पर और प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है, कौन सा, डायरेक्ट टैक्स। सेकेंड है देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेड टू समवन एल्ज, किसी दूसरे को पे किए जाते हैं, हु हैज़ टू डिपॉजिट देम विद द गवर्नमेंट, जो उन्हें गवर्नमेंट में के पास डिपॉजिट करना चाहता है। दे आर लेबीड ऑन कॉमोडिटीज, कॉमोडिटी क्या होता है, जो डेली यूज की चीज़ें, गुड्स हम यूज कर रहे हैं उन पर लगाया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेक्स्ट जो न्यू टैक्स अप्लाई किया गया है उसके बारे में देखें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, या कंजप्शन टैक्स लेबीड इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर ये टैक्स लगाया जाता है। जीएसटी इज लेबीड एट एवरी स्टेप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जीएसटी प्रोडक्शन प्रोसेस के हर स्टेप पर अप्लाई हो रहा है, बट इज मीन्ट टू बी रिफंडेड टू ऑल पार्टीज इन द वेरियस स्टेजेस, और ये अलग अलग स्टेजेस पर सभी पार्टीज को रिफंड किया जाता है प्रोडक्शन, अदर देन द फाइनेंशियल कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे आप।